जय श्री राम, जय बागेश्वर। भक्त बागेश्वर सरकार राम दरबार से निकल आए हैं और भभूति वितरण कर रहे हैं। जो बागेश्वर सरकार के पास भक्त आए हैं वो बागेश्वर सरकार से चीख चीख कर चिल्ला कर भभूति मांग रहे हैं। और बागेश्वर पर आगामी कथा की जानकारी बता दें, बागेश्वर पर 31 मई से लगातार 4 से 5 जून तक महादीप दरबार लगने वाला है बागेश्वर धाम पर ही। और आप लोग बागेश्वर सरकार के दीप दरबार में सम्मिलित होना चाहते हो तो आ सकते हो। और आगे का कार्यक्रम आप लोग लाइव देखें, क्योंकि आज बागेश्वर ने महादीप दरबार लगा दिया है और बड़ा अनाउंस भी कर दिया है। बोले जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर हनुमान जी महाराज की, दादा गुरुजी महाराज की, चमिता वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, दिव्य दरबार की, नमः पार्वती पते हर हर। भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा, बागेश्वर बालाजी के चरणों का आशीर्वाद, परिणाम स्वरूप समूचे भारतवर्ष में श्री हनुमान जी के अनेकानेक स्थान हैं। उनमें वर्तमान समय में कलिकाल के उद्धार के लिए कलियुग के राजा के रूप में, और जहां सन्यासी बाबा की 46,000 शक्तियां सिद्धों के रूप में विद्यमान है, ऐसा पावन तीर्थ श्री बागेश्वर धाम है। आज का कारण, कल रात तक लगभग 9 बजे तक प्रेत बाधा के रोगियों से निपटते रहे, भूत भगाते रहे। भूत भगाने के बाद मरीज आ गए, मरीजों से मिलने के बाद 4 बजे से फिर ब्रेन डिटॉक्स की साधना करवाई 8 बजे तक, 9 बजे से 10:30 बजे तक दीक्षा दी, फिर जल्दी जल्दी थोड़ी सी चाय पी और दौड़ करके भग कर यहाँ आ गए। लेकिन अब चाय जो हो जाए, जितनी भी अर्जी बालाजी सुन ले गए, उतने देर के लिए दिव्य दरबार लगाया जाएगा। लेकिन हमारा मन नहीं माना, हमने सोचा अब हमें भले ही थोड़ी मुसीबत हो जाएगी, 4 दिन से सोए नहीं है तो उसे ऊंटों जैसे दिख रहे हैं। हाँ, दिमाग ऐसे चढ़ो जैसे लोगाई ने जो है थप्पड़ी थप्पड़ मारे हैं। पर कोई बात नहीं, बालाजी की इच्छा है। साधु बनना कठिन है, जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकना चूर। ये भारत बड़ा विचित्र देश है, यहां गंदी फिल्म बनाने वाले, फिल्मों में डांस मर्डर कत्ल करने वाले लोगों को करोड़ों रुपया दिए जाते हैं और वो विदेशों में जाकर फूंकते हैं। भारत में किसी महात्मा को 10 रुपया दे दे और वो महात्मा बेचारा अन्नपूर्णा में सेवा में लगा दे, तब भी उससे 20 बार पूछा जाता है। बड़ा विचित्र देश है भारत, उनसे नहीं पूछते जो करोड़ों रुपए फिल्म बनवाई लेते हैं और अमेरिका में और दुबई में रुपया बर्बाद करते हैं, उनसे नहीं पूछा जाता है। लेकिन महात्माओं से पूछा जाता है,
इसलिए हमने दोहा लिया, साधु बनना कठिन है जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर। इसलिए आज के दरबार में, अरे भैया जा उठाओ पेन कागज उठाओ, जितने भी लोग विराजमान हैं जाओ, सबको आशीर्वाद है, तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो जावे, तुम पर बालाजी की कृपा हो जावे, और जाओ जो भी तुम अर्जी लेकर के आए हो तुम्हारी खाली झोली भर जावे। यहां बालाजी के दरबार में बैठे भैया, कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा, लेकिन मेरे बालाजी का भक्त एक दिन जरूर सेठ बनेगा। तुम जिस दरबार में बैठे, ये भंडारी हैं, देने वाले दाता हैं। हमें तो रोज हजारों लोग ऐसे मिलते, गुरुजी जय जय हो गई, बिगड़ी बनाने वाले हैं, रोते को हंसाने वाले हैं, बाजन के घर लल्ला खिलवाने वाले हैं। भैया बालाजी सबकी बिगड़ी बनाने वाले हैं। भैया धन्य है बालाजी, धन्य है इनकी कृपा, हम तो देख देख लीला से परेशान हैं। कल 2.5 लाख लोगों से ज्यादा का समुदाय था, 5 किलोमीटर का जाम लगा था मेन हाईवे तक, ना कोई प्रशासन ठीक से, ना हम ठीक से ध्यान दे पा रहे, पर पता नहीं चला, छोटी मोटी बातें छोड़कर किसी का बाल बांका नहीं होता है, और मेरा ठेला में लाखों लोगों पर बालाजी कृपा कर देते हैं। अब भाई कोई सामान का ध्यान ना धरे तो बात अलग है, ऐसे तो फिर लोग आई भी गुम जाती है भाई, उस पर भी ध्यान ना धरो तो वो भी गुम जाती है। कई लोग हमारे पास आते हैं अर्जी लगाने है, तो उसके लिए क्या बात है, वो तो भाई ध्यान की बात है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो बागेश्वर बालाजी जिस दरबार में आप बैठे हो, स्वयं श्री बागेश्वर बालाजी हैं, कहीं मेहंदीपुर बालाजी के रूप में हैं, कहीं सालासर बालाजी के रूप में हैं, यहाँ बागेश्वर बालाजी के रूप में है। और प्रचार चार की महिमा नहीं है ना, और हमारी तो बिल्कुल है ही नहीं है, हम तो मूर्ख नालायक उल्लू हैं, दिन बारे उल्लू और रात बारे उल्लू, हम तो महापापी जीव हैं, हमारी भी महिमा नहीं, किसकी महिमा बोला, बागेश्वर बालाजी की। जो लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके नारियल बांध कर पेशी का नियम करेगा, ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करेगा, बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाएगी। केवल अर्जी स्वीकार नहीं होगी, रोग संकट व्याधि पीड़ा में बालाजी की सेना पहुंच जाएगी भैया, आराम लगने लगेगा, और ज्यों ज्यों पेशी बढ़ाओगे त्यों त्यों बालाजी की कृपा होने लगेगी। एक बात और, पेशियों की गिनती में ना पड़ो, बालाजी की बिनती में पड़ो, पर्चा में ना पड़ो, चर्चा में पड़ो, अर्जी की टेंशन ना लो, बालाजी की मर्जी की टेंशन लो। बोलो जय बालाजी की, जय बागेश्वर बालाजी की। सबकी बिगड़ी बनाने वाले बालाजी यहाँ बैठे हैं। भैया चलो आज को दरबार हम सन्यासी बाबा खां बुला के शुरू कर रहे, जिनकी भी वो अर्जी सुनेंगे हम बुलाएंगे, नियम पालन करियो, पढ़े लिखे लोग बिल्कुल भी अंधविश्वास में ना पड़े, देखकर भरोसा करेंगे, भजन करेंगे, नियम का पालन करेंगे,
और सामूहिक अर्जी सबकी लगाई जाएगी। कहा माता जी, तुम सुपर फास्ट जा रहे हो, बैठो लोकल ट्रेन बनाओ, सुपर फास्ट एकदम, तुम तो बिल्कुल वंदे मातरम हो गए। बोलो जय सियाराम। साधु जी, बालाजी, हर 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 हर, गुरु जी, बालाजी, हाँ, जीवन भर के लिए कौन कौन बालाजी के चरणों से जुड़ना चाहता है? पक्का की कच्चा, जोश में की होश में, दो चार दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? पक्का बात मानोगे, नियम का पालन करोगे? हैं? जाओ, हम भी वचन दे रहे बालाजी के सामने, हमारे पास जो भी चूरन चखनी सिद्धि कृपा है, जो हमने अपने गुरु जी के चरणों से पाई है, जिसके बल पर हम धर्म विरोधियों की ठटरी बारते, जिसके बल पर तुम्हारी हम जिंदगी में चमत्कार कर देते हैं, जाओ, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की है। पर हां, जुड़ जाना तो मुड़ना नहीं। पतिव्रता स्त्री वो है जिसके एक पति है। पतिव्रता स्त्री किसे कहा जाता? जिसका एक पति हो, अनेक वाली को नहीं कहा जाता। उसी प्रकार गुरु, भगवान और स्थान एक होना चाहिए। एक ही साध है, सब सब हैं, सब साध हैं, सब। अरे लड़ो ना भाई, मारपीट कर लो, मारपीट कर लो, थोड़ा मुंह उड़ फोड़ दो, लड़ो ना। एक काम करो, नाक में मुक्का मारो, नाक में मार मार मार, नाक में मार, मारे। अच्छा, बाल पकड़े, बाल नहीं, मुक्का मार मार मार। अपना क्या जाता है, हम तो मंच पे बैठे। आहो आहो पिटेंगे वो अगल बगल वाले, जाने नहीं, अपना काम ही है हनुमान जी जैसी पूंछ में लंका में आगी लगाना। आओ 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 आओ, हाँ लागो लागो, मुंह अंदर कदम बाहर कर ले, बाहर में कहो, ज्यादा अगर लड़ाई हो दिखी तो अपन में दौड़ लगा दी। हाँ, बच्चा आदमी अपना है, अपनी इतनी इज्जत है नहीं है कि अपना इज्जत बचाने, हमें नाक जाने दीवा। आओ, अगर ना है आज देखा देने दो, ठटरी बड़ा। जय सियाराम, जय बालाजी की। फिर पकड़ लेगा तो तोरी लड़वाल ठटरी भरे, अब कोई और के पकड़ ले हैं? तातो जब पागल है पागल, अब तो ई के हाथ पकड़ के ये बाहर ले जाओ, ये झूला सो टांग झूला बनाओ, दो ही हाथ पकड़ो, दो ही पांव, और झूला बनाओ, ले जा। अच्छा, तो अलग अलग धन बनानी काली माता कीने पकड़ के टांग दे, जा पकड़ के टांग, ईके तो खोल पार उनसे लुच से गए। बड़ी खतरनाक काय बिन्नू, बाल क्यों पकड़ती हो? गुलाब लच्छे खरीदोगी क्या? हमारे यहाँ गांव में माताओं के बाल को बेच करके गुलाब लच्छे लिए जाते हैं, हमने बचपन में करो है जो सब, हमें लगा जी गुब्बारे उब्बारे लेने, चलो ऐसे तो समय निकल जाएगा। जय सियाराम, हर हर। बोलो बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की।
सब लोग दोनों हाथ जोड़ लो। ओ बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम दादा गुरुवे नमः। मन में राम नाम का जप करो सभी लोग। आज के दरबार में सन्यासी बाबा ने जो प्रेरणा दी है अर्जियों पर, पहली अर्जी तो दरबार के प्रांगण से ही बीच वाले बीच से शुरू स्वीकार हुई। यहाँ मध्य में सुनील नाम के भैया मध्य में विराजमान है, सुनील नाम के भैया बीचों बीच विराजमान है। आप खड़े हो जाए टी शर्ट पहने हुए, हाँ कम्बाल है, हाँ 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 आ जाइए, तुम ही सफा चट्टा आदमी हो, आइए आइए। कभी कभी कम्बाल भी काम आ जाते हैं बेटा, दौड़ के आओ बोलो बागेश्वर धाम की। दूसरी अर्जी, बाहर अगर आवाज जा रही है तो दरवाजे के टीन सेट के बाहर विजय नाम का बालक, टीन सेट के बाहर कोने की तरफ दुकान के पास में खड़ा हुआ है, आ जाए, आपकी भी अर्जी स्वीकार हो गई है। तीसरी अर्जी, यहां पीछे में बेटा एक बैसाखी लिए हुए दादाजी खड़े होंगे, बैसाखी पर हैं, उनकी अर्जी स्वीकार हुई है, प्रवेश करवा दिया जावे। चौथी अर्जी, राम हाँ हाथ जोड़े हुए बालक हाफ टी शर्ट पहने हुए लाल खड़ा है सबसे लास्ट में, जिसने एक हाथ खड़ा किया, दौड़ के आ जा, तौलिया सिर पर रखे हैं, आइए यहीं से सामने से आ जा जल्दी, बोलो बागेश्वर धाम की, बोलो जय सियाराम गुरुजी सीताराम। यहां रमेश नाम के भैया की अर्जी दरबार के प्रांगण में बाएं हाथ के कोने पर स्वीकार हुई है, आप खड़े हो जाएं, आपकी अर्जी भी स्वीकार हो गई है, आगे की तरफ आ जाइएगा, जो रूमाल बांधे तुम भी आ जाओ बच्चे, हाँ 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 यू कम हेयर माई डियर, गोमुखी लिए हुए हाथ में, गोमुखी लिए हुए पधारो, चश्मा गोमुखी रूमाल आइए। अंगली अर्जी, सीताराम, अरे गुरुजी सीताराम, छोटी बच्चे को लिए माताजी खड़ी हैं, आपकी अर्जी भी दरबार में स्वीकार है, कोने की तरफ में यहां बिल्कुल लास्ट के कोने, छोटा बच्चा लिए, हाँ इन्हीं को इशारा कर दो आ जाए, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। जय सियाराम। कहां से प्रवेश करवाएंगे, थोड़ा जल्दी आओ, तो गली नहीं है, आदमी ऐसे बैठो जैसे जो है, आगे बोलो, मेंढकों की पंचायत बैठी हो, साधु जी बालाजी, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। क्या बाहर आवाज आ रही, अच्छा धन्यवाद। एक अर्जी नीम के पेड़ के नीचे मंदिर के पास
पीली साड़ी पहने हुए माता जी बैठी हैं। आओ बुड्ढी माता जी, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। आ जाओ। इसके बाद हाँ, इस बच्चे को आने देना, ये जो आ रहे जल्दी आ, दौड़ दौड़ किसी के ऊपर चढ़ा था, तुम टेंशन ना लो। राम, गुरुजी सीताराम, बालाजी सीताराम, नमः पार्वती पते हर हर। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से, हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी सुनो, संपर्क पा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनीमन बालाजी को प्रणाम कर लो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, दादा गुरुजी को प्रणाम करो, माता पिता के चरणों को प्रणाम। अब हमारे साथ बोलेंगे हैं। ओ बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। मनीमन पुनः बागेश्वर बालाजी को, दादा गुरुजी को, सन्यास बाबा को प्रणाम करो। पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस मदरा बंद कर देते हैं, महीने में एक बार, दो महीने में एक बार बागेश्वर धाम की अगर पेशी करना शुरू कर देते हैं, तो बिना पर्चा बनी अर्जी स्वीकार हो जाती है और बागेश्वर बालाजी की कृपा उप जाती है। रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने लगता है। आप लोग जो भी विषय लेकर, जिज्ञासा लेकर, अर्जी लेकर आए हो, मनी मन तीन बार बोल दो, हम मंत्र का प्रयोग कर देते हैं। ओम ओम है ना। कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो, हमारे घर से ना भेज दो। हे बालाजी महाराज, हमारी हंसी मत करवाना, हम पर कृपा करना, हमारी बाधाओं का हरण करना। हे बालाजी, आजीवन पर्यंत तुम्हारे चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे,
वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी सुनना, हम पर कृपा करना, हम पर कृपा करना। हम मनीमन बालाजी को प्रणाम करके, सन्यासी बाबा को प्रणाम करके अपनी अर्जी को पुनः बोल दो। अब दाहिने हाथ की उंगली का सिर के ऊपर से 7 बार उतारा करो और बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो 7 बार, इसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। ऐसा करने से शरीर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। दोनों हाथों को फिर आपस में मलो, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। उपार नेत्रों में लगा लो, शरीर में जहां भी राह स्पर्श करा लो। सामने जो कनिस्तर पर तौलिया सिर में बांधे बैठे हैं, तुम आ जाओ, हाँ नीचे उतर के आ जाओ, तौलिया बांधे, हाँ जी जी जी, जो अभी बालक खड़ा हुआ आ जाओ, नकटा साधु जी, हाँ सत्यम, यहाँ एक दो व्हील चेयर वाले उनके 7 बालों को ऊपर बुला दो, ये प्रसाद उनको दे दो कल। हाँ कल प्रेतराज सरकार का दरबार प्रातः काल लगेगा। कब लगेगा? प्रातः काल 8 बजे से 10 बजे तक प्रेतराज सरकार का दरबार लगेगा। और उसके बाद में शेष क्रम जो बचेगा उसकी सूचना आपको दे दी जाएगी। परसों का दरबार सुबह वही 7 बजे से लगेगा। दोपहर में बहुत धूप हो जाती है और हमको काम भी बहुत है, अभी ऊर्जा संचय समागम चल रहा है जिसमें लगभग भारत के और विदेशों के मिलाकर 200 लोग आए हैं। उन लोगों को भी हमें समय देना पड़ता है, साधना में भी हमें समय देना पड़ता है। आबादी को लगो अपनो शरीर अकेला है, भगवान ने हमारा अभी डुप्लीकेट बनाओ नहीं है, बुढ़ापे का शरीर है, थक जाता है। कल प्रेतराज सरकार का दरबार लगाएंगे दिन में और बाकी सूचना कल भी देंगे। धाम पर नियम की महिमा है, जो भी साधक नियम का पालन व पेशी करेगा जाओ उसकी जय जय हो जाएगी। आज के दरबार पंडाल में जितने भी लोग खड़े हैं, बाहर खड़े हैं, यहां बैठे जाओ, सबको आशीर्वाद है, जाओ तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो जावे, माता जी तुम्हारी कल अर्जी लगा देगी। ठीक, हाँ खुश रहो। आचेला कैसे हो? राधे राधे बेटा। हाँ हाँ वही रहो, नजदीक नहीं आना, वही बैठे रहो, वही बैठे रहो, नजदीक नहीं आओ मंच के, वही बैठ जाओ। सीताराम, दोनों भैया ये रेलिंग गिर जाएगी, काऊ की घबड़िया टूट जाएगी। बेटा वो प्रसाद ले लियो जो सेवादार हो माता जी के हाथ से। आ जाओ अंदर, तुम्हारे मोबाइल के बारे में बता दें, तो वही बैठो, वही बिल्कुल गलती ना करो, पीछे नीचे, नहीं नहीं आराम से आराम से। अब फोटो इनको दे, सेवा डालो, अपने मन से ही चढ़ना है, ले लो उसे,
कौन है? कौन है? आदमी का बागेश्वर धाम की बोलो क्या बात अचानक से क्या बोला डॉक्टर लिक्विड सूख गया है हमारे अनुसार तुम तो पढ़ी लिखी में पढ़ी आप भी पढ़ो साथ में कहा लिखो पतिदेव की आंखों की नजर चली गई रोग बना रेटिना में पहले दिक्कत बनी फिर लिक्विड वाली नस सूख गई जो ब्रेन से संबंधित है 20% आराम मंत्र चिकित्सा के बल पर लगेगा पूर्ण आराम नहीं लगेगा साथ में डॉक्टर ही सलाह ले रही है आशीर्वाद है मैं गंगा जल ले रही हो विधि कर रहे ठीक है ना दिवाली आई अरे ना दिवाली आई हाथों की मुट्ठी बांध लो भैया कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु हे बालाजी महाराज हे सन्यासी बाबा अच्छा जो मरीज कल हो गए थे वो आज नहीं आना है ये बिल्कुल मत करो ठीक है अगर कल मर चुके थे तो फिर बाकी मरीज शाम को देखिए क्या हाल है अगर रुके हो कि जा रहे आज जा रहे अभी तो हमें सोना है हमें हो सकते हमें हाथ सीताराम आशीर्वाद माता बच्ची को लाना है जब से खड़े अरे ये हमारे घर जाते उन्होंने बताया तो है आपसे कुछ कहे तो नहीं आए कि पैसे मांग रहे आपसे बताया है उतने में भी टेढ़े हो रहे अच्छा भाई साहब देखो हमें सिंदूर दे गए तुम अपने खेला को
क्या उनका नाम क्या है? अक्रम तुम्हारा अकम अक्रम अक्रम किसकी बच्ची है इंदिरा की? इस बच्ची को थैलेसीमिया है और सभी मोदी ऊर्जा संचय समागम में बैठियो नामकरण करना शुरू कर रही हो पहले बार बार भूख बढ़ जाता है इस बालक का नाम तुम बाल मुकुंद रखो क्या आशीर्वाद ठाकुर जी का नाम